देखिए, ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए नए स्टील प्रोजेक्ट्स पे काम करने की यहाँ पर रणनीति कंपनी बना रही है, और हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने एनएमडीसी के सीएमडी सुमित देव से आयन और उत्पादन को लेकर खास बातचीत की। आइए वो सुनते हैं। हमारे साथ एनएमडीसी चेयरमैन हैं सर ईटीनाव स्वदेश, बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आज की कॉन्फ्रेंस की बात करें तो किस तरीके से, खासकर अगर आप मिनरल प्रोडक्शन की बात करें और आयरन ओर की बात करें, उसमें गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स अभी लिए हैं उसमें प्रोडक्शन में कितनी तेज़ी आई है, और इस साल का जो टारगेट मिनिस्टर बता रहे थे, आई मीन इनफैक्ट प्रोडक्शन नंबर्स बता रहे 254 मिलियन टन का, ये टारगेट इससे कितना इंक्रीज करेगा बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड इसको लेकर क्या कंपनी ने टारगेट डिसाइड किया? तो पहली चीज़ ये है कि जो सरकार ने 2015 के बाद में जो MMDR एक्ट में अमेंडमेंट्स किए हैं उसे आप अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन जो है, जो पुरानी बंद माइंस थी वो सब चालू हो गए हैं, काफ़ी चालू हो चुके हैं, आगे भी हम देख सकते हैं कि ये माइंस सब प्रोडक्शन में आ जाएंगे। तो हमारी जो पिछले साल की प्रोडक्शन कोविड के बावजूद भी 253 मिलियन टन देश का हुआ है, और हमारा भी एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 42 मिलियन टन का। आगे हम सोच, हमारा ये है कि 67 मिलियन टन जो हमने बताया है 2025, और 100 मिलियन टन 2030 तक होगा, ये हमारी उम्मीद है। और देश के प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है, 254 है हुआ है, और हमें लगता है कि हमें ये टारगेट 400 प्लस में जाना चाहिए। इस फाइनेंशियल ईयर का क्या टारगेट है? NMDC का तो आपको जैसे बताया है, हमारा 46-47 मिलियन टन का भी टारगेट है। गवर्नमेंट की एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी थी, खासकर लो ग्रेड आयरन ओर को हायर ग्रेड आयरन ओर में बेनिफिशिएट करने को लेकर उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि उसमें 80% का टारगेट रखा गया है बेनिफिशिएटिंग के लिए? तो जो लो ग्रेड ओर है, करंटली हम 58 एंड बिलो जो ओर है देश में, वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो स्टील प्रोड्यूसर्स है यूटिलाइज कम करते हैं, ये बेसिकली इसको बोनिफिकेट करके 58 से 62 ग्रेड तक लेके जाना चाहिए इसको, उसके बाद में ही यूटिलाइज हो सकता है। तो इसके लिए एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो वेरिफिकेशन हमारे देश में अभी कम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इसका एनवायरमेंट इशूज़ है, और बाकी टेलिंग डैम का जो टेलिंग्स निकलता है इसमें, इसको कहीं यूटिलाइजेशन करना या डंपिंग करना, प्लस कॉस्ट एक कॉस्ट फैक्टर भी है इसमें। तो ये दोनों चीज़ मिला के हमें देखना पड़ेगा कि कितना ओवर 58 के बिलो है कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट दो हिस्सों में बात बता रहे थे, एक पहला एक तो ये है कि एक तो प्रोडक्शन भारत में बढ़ाना चाहते हैं। वैसे इनके बारे में बता दूं, ये कर्नाटक में ओर की माइनिंग करते हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी का ओर निकालते हैं। दो कैटेगरी हैं इनमें, इस कैटेगरी का जो NMDC निकालते हैं वो काफ़ी बेहतर है।